ये कह रही है आई लव अमरूद है, इतने पसंद है कि देखो रुका ही नहीं गया हमसे। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। ये देखो कौन आ गया हमारे घर। तो आज हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पर, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। तो आज भैया हमें खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे भैया आज लास्ट डे हैं भैया, आज वो खिलाना हमें, क्या कहते हो उसे, अरे कुल्फी। ठीक है ठीक है, आज कुल्फी पार्टी होएगी, बहुत दिन हो गए हम कहीं गए नहीं है, एंजॉय नहीं किया लाइफ। तो ये आई थी ना तो हम सोच रहे थे कुछ प्लान करते हैं आज, कहीं घूमने चलते हैं नहर वहर पर। तो वहाँ पे सर्दियों का लुफ्त उठाया जाए, सर्दियों का लुफ्त उठाया जाएगा कुल्फी खाकर। तो चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस रश्मि त्यागी। तो चलते हैं गाइस, बताएंगे आपको कमी कमी किस चीज में कमी। अभी अभी हमारा हंसी मजाक चल रहा है, खूब खाओ खूब खाओ, क्या हो गया वजन तो बढ़ ही रहा है भाभी है ना, तरीके से खाओ। लेकिन तरीके से खाओ। तो अभी 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 तो खैर मोटे हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे पतले, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं ये कह रही आज फिर से तुम खाने की बात करने लगी, और क्या भाई, जब वजन कम नहीं हो रहा तो हम इसलिए खाने की बात करते हैं, हमारा गुस्सा खाने पे निकलेगा। सही बात है, अटैक पर ये सब कहने की बात है, जो मोटे होते हैं ना वो बहुत कम खाते हैं, सच बता रही हूँ मैं, जो पतले होते हैं वो हमसे ज्यादा खाते हैं। बट ये होता है ना किसी किसी की बॉडी ऐसी होती है कि जो भी कुछ खाते हैं फैट में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होता है, तो पानी भी पीते हैं तो वो भी लगता है। भैया बस पूछो मत, क्या करें, मजाक बन गया हमारा, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा खुश रहते हैं ना इसलिए। सही बात है, हंसना चाहिए, क्या फर्क पड़ रहा है ना, मतलब कि नहीं, किसका कौन फूकता बताना जरा, हस्बैंडो का है, जिनके ना होते हैं भी परेशान है, क्यों ना हो रहे, अच्छे पत्नियों से हो रही है, 35+ हो रही है, शादी का लड्डू जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने ना खाया वो भी पछताया। और पता है फिर कहेंगे ये इतनी बोलती है, ये परेशान करती है, चिक चिक करती है, पर फिर भी गुंगी लड़की से शादी नहीं करेगी। हाँ चाहिए ही ना परफेक्ट लेडी, बिल्कुल सभी की, सारे हस्बैंडों की बात है ये, खुद सलमान वाइफ का हीरोइन चाहिए। सही बात है, सच में है भैया, तीनों दोस्त एक जैसे हैं। ये सोनू भैया की हालत मुझे तुमसे भी ज्यादा खराब लग रही है, हैं भैया, यहाँ भैया भैया की तारीफ की जा रही है, और इनकी दोनों सेम कैटेगरी के हैं ये दोनों, अभी पता चल रहा है, मैंने कहा गुस्सा भी सेम है, दोनों दोनों एक जैसे ही है। तीसरे सोनू भैया इनसे भी महान निकले, ये तो हमें, और नीतीश भैया तो माशाल्लाह है, सच बता रही हूँ, नीतीश भैया को कुछ पता नहीं है, ये तो चुप चुप रहते हैं, वो तो करते ही नहीं कुछ बात। तो अभी आ गए हैं, ये देखिए ये करेंगी हमें गाइड, और जैसे भी होगी ना वेट लूज जर्नी पूरी बाद में शेयर की जाएगी, तो मैं इनसे भी बात करूंगी तब आपको दिखाऊंगी। इस वाली शॉप पर आए थे शायद हम, मार्केट है, हाँ ये पूरी मार्केट है। पर पता है ये फ्रूट बहुत महंगे देते हैं, ये सही कह रहे भैया। तो सब बोले थे मतलब तुम कहीं खा थी, बस लॉन्ग ड्राइव पर गए थे हम, बहुत दिनों से मन कर रहा था एक साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाए, आज कार में बैठ के ग्राउंड ले लिया हमने पूरा कहीं गए है ना। हाँ बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कुछ करें कुछ करें, बोर हो रहे थे घर में पड़े हुए, तो करे ड्राइव पे चलते हैं, आज ये दोनों आगे बैठेंगे, हम दोनों पीछे गप्पे लड़ाएंगे। तो बस यही है, बस पुरानी पुरानी बातें और नई नई बातें कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहा। मार्केट आ चुका है, ये तो हंस रही थी कि व्लॉगिंग कर लो, लेकिन भैया आप भैया डांट रहे थे हैं, नहीं है भैया, इन्हें डर है ना कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसे तो है ही नहीं, ये हम खाली बस एक्सप्लोर करेंगे, फिर कुछ ना कुछ दिल तो आ ही जाएगा, चाहे वो एक कंगन ही लेने हो है ना। तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं तुम गाड़ी में बैठो, मजे करो, दोनों बातें करो, बातें तुम बहुत दिन बातों से पेट भरो, खाना भी कैंसिल तुम्हारा है, खाना भी बंद हमारा, अरे जरा इसे ना थोड़ा सा बंद रखो, नहीं वेट लॉस
अगर करना है तो वजन कम तो करना ही पड़ेगा, वरना तो ये है कि कितना ही खिला लो। अब यूँ कह दो हमारा थोड़ा दिखावा, तुम ही खरीदो लांचे साड़ी है। तुम थक गए हमसे इसका मतलब है भैया, ये अच्छी बात है। तो चलो तो फिर सरोजनी मार्केट का प्लान बता दो, हैं चलोगे ना? हाँ, एक लांचा ले दिलवा दो तो मुझे अच्छा सा क्रॉप टॉप लेना है मेरे को। हमारे मिस्टर की एक ही बात है, बस ये पता क्या करते हैं, कहीं जाना हो ना तो पहले उसमें मेरी गाड़ी नहीं जाएगी, स्कूटी नहीं जाएगी, जैसे कि ये प्लान ही कैंसिल कर दें। देखो भैया कितने प्यार से बोल रहे हैं, अब तो ले जाएंगे ही हमें, है ना भैया? ऐसे पति भगवान सबको दे। मैं कह रही हूँ भैया कुछ कर लो, तो कह रहे दोनों बीपी के यार, इन्हें भी बीपी की प्रॉब्लम है, नहीं बीपी की प्रॉब्लम दोनों के दोनों सही में बीपी की बड़ी परेशानी है। ये भी कुछ जरा सा अगर खा लेना कहीं पार्टी में, कुछ अगले दिन परेशान हो जाते हैं ये। तो अभी आ गए हैं हम, ये क्या है भैया, झिलमिल ढाबा, और यहाँ पे कुल्फी लेने जा रहे हैं ये। भैया ने कहा चलो बोला है तो खा ही लेना, ठीक है। देखो मना कर दिया, कुल्फी नहीं है। बैड लक है, कुल्फी मिली नहीं, यहाँ पे मिलती है कुल्फी। देखो ये लिखा कुल्फी पार्टी, बड़े मजे आ रहे हैं, एक और दे दो ये लिखा था उस पे, यहाँ तो मजे ही नहीं आए। नाक मार दी ना इन्होंने पहले ही, तो उसने कहा आ खा, कैसे खाएगा आज नसीब में कुल्फी नहीं है, यहाँ पर आए भी और मिली भी नहीं। ये सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो लोग खाते नहीं है, तो सोच रहे होंगे क्यों बनानी, वेस्ट ही जाती है, तो इस चक्कर में। और शादियां इतनी चल रही हैं, लोग फंक्शन में इतना ऑलरेडी खा लेते हैं, तो इनकी बिकती नहीं होगी। और यहाँ आ गई है वो नहर, गंगा कौन सी है ये, गंग नहर, हाँ गंग नहर आ चुकी है ये, मिनी हरिद्वार भी कहते हैं इसको, तो काफी फेमस है ये जगह भी, बहुत लोग आते हैं नहाने के लिए। जब कुछ नहीं मिलता ना तो या कुछ बनाना हो तो फिर मेरी सास कहती थी एक काम कर अमरूद बना लो, तो आज हम सोच रहे हैं बनाना तो बस की नहीं है, खाएंगे अमरूद लेके, है भाभी अमरूद खाओगी कैरी फेवरेट है, अमरूद खाएंगे हम तो, अमरूद और ऑरेंज तो मेरे फेवरेट। भैया कह रहे हैं आज से डाइटिंग पे लग गई हैं दोनों ये तो चल रही है डाइटिंग, ये तो चल रही है, मैं नहीं लग रही हूँ लेकिन मैं भी लग रही हूँ सच में। हाय इतना ग्लो जब भी कर रही हो तो थैंक यू, आज तो कुछ ज्यादा ही चमक रही हो मेरे से भी, देखो चमक रही हो ना? नहीं मैं वैसे भी चमक रही हूँ वो तो मैं भी चमक रही हूँ, देखो वो सब चमक, क्योंकि हम इतने स्लिम ट्रिम नहीं है कि ना चमक रहे हैं, सही बात है। इस साइड उसमें मत हो गए, ये रहा अब इसे लेने जा रहे हैं भैया अमरूद, ये देखो कह रहे अभी लेके आ रहा हूँ। देखो दोनों पहुंच गए हैं, कुल्फी तो मिली नहीं, कह रहे सेब संतरे खाओ और सेहत बनाओ ये हाँ सेब संतरे खाएंगे। ये देखिए आ चुका है हमारा अमरूद, कितना टेस्टी सा लग रहा है देखने में, है ना? अब इसे खाएंगे हम, खाने में बीजी है क्योंकि इसमें बीज नहीं है ना खाने में इजी है बिल्कुल, खा के दिखाओ तो आप एक ही चीज खा रहे, एक ही चीज का टेस्ट नहीं आता, सही में खाने में अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा थोड़ा सा रेड सा है ना अंदर से, सही है बढ़िया। हम बाहर आए कुछ ना खाएं ऐसा हो जाएगा भला, चाहे फली खाएं पर खाएंगे छोड़ेंगे नहीं ये कह रहे हैं कैसी है ये, बीच में रुकवा दिया हमने ये कह रही है आई लव अमरूद है, इतने पसंद है कि देखो रुका ही नहीं गया हमसे, बेनिफिट भी बहुत है अमरूद के। अब तो तुम्हें हर जगह बेनिफिट नजर आ रहे हैं मुझे, बिल्कुल सही है अमरूद, बहुत बढ़िया भैया टेस्टी एकदम, ये सही है हाँ मुझे भी बोले सही है, कुल्फी से बच गए, वो तो महंगी आती और तो सही बतानी पड़ेगा हमें सही है वो हेल्दी भी नहीं है, देखो सस्ते भी और हेल्दी भी है, सही बात है।
इनके साथ रहूंगी ना तो सब हेल्थ पता है क्या जाऊंगी मैं। हमारी मेंटेलिटी ही इस तरह की हो गई है, हम 20-30 रुपए की सिगरेट पी लेंगे लेकिन 20-30 रुपए किलो के अमरूद नहीं खा सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो टेस्ट के ऊपर बात आ गई तो हम टेस्ट को ज्यादा वैल्यू देते हैं अकॉर्डिंग टू हेल्थ, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, हेल्थ सबसे बेस्ट होनी चाहिए। 20-30 रुपए किलो के तो हम कहीं नहीं आते, हमें पता ही नहीं भैया कितने रुपए किलो दिए, 80 रुपए 100 थे पहले, अब इस सीजन में वो कर दिए 100 आते हैं वरना 80 अब दे रहे हैं। नहीं दूसरे वाले जो जो अलग तरह का तो वो आ जाता है, वो आ जाते होंगे। अब भैया पहले तो पेड़ों पे यूं ही लगे रहते थे, यूं ही तोड़ तोड़ कर खा लेते हैं। ये देखो ये अपनी फोटो दिखा रही है, मैं क्या थी और क्या हो गई, एक महीने में ही लड़की कंट्रोल हो गई हमारी हीरोइन। ये तो बन गई हीरोइन, आप सुपर हो जाओ अब सुपर डुपर मोटर बना के बांधेंगे मुझे। अभी घर आ गया, बहुत ड्राइविंग लॉन्ग ड्राइव पे जाके आ गए, आ जाओ चली जाऊंगी। चलो जी ये तो जा रही हैं, कैरी कैरी ओहो कितनी कॉन्शियस है, अब भी वॉक के चक्कर में लग रही हैं कि मैं पैदल चली जाऊंगी, मुझे स्कूटी पर मत छोड़ो, वॉक हो जाएगी मेरी, कहाँ जाओगे, कुछ दिनों में दिखाई भी नहीं दोगी, इतनी पतली मत हो। सही है जैसी हो ना बढ़िया लग रही हो, फिट लग रही है, उससे ज्यादा पतली अच्छी नहीं लगोगी। कहीं नहीं मैं तो करूंगी, बच्चे बोलो करूंगी मैं तो करूंगी, अभी तो मैं और जाऊंगी। क्या चाहती हो कि मैं सुंदर ना दिखाऊं, मैं फिट ना रहूं? नहीं मैं तो चाहती हूँ तुम कंपटीशन दो, ठीक है। सही बात है, ऐसे ऐसे मैं कभी नहीं कह सकती, तुम शुरू से ही सुंदर हो, वो तो हम क्या करें मोटे हो जाते हैं अभी। तो चलिए जी व्लॉग का कर देते हैं एंड, अभी हम बहुत देखो यहाँ चेहरे साफ आ रहे हैं, हम काले आ रहे थे उसमें गोरा बना दिया मैंने। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, बस ये तो छोटा सा हमने वैसे ही बना लिया था, थोड़ी सी देर बातें भी हो गई क्योंकि घर में बैठ के इतने अच्छे से बात नहीं हो पाती है, घूम भी आए बातें कर ली अमरूद खा के घर को आ गए। भाभी देखो अमरूद पार्टी करी, अमरूद का पेड़ हो रहा हमारा, हमने लगवाया हुआ है, तुम्हारी फेवरेट है ना, कुछ दिनों में आएंगे आना खाने, आओगी? ये अभी हम आ चुके हैं लॉन्ग ड्राइव करके अमरूद खा के, अमरूद के पेड़ के पास खड़े हुए हैं, कुछ ज्यादा ही मतलब इन्हें पसंद है ना अमरूद, तो मैंने सोचा इन्हें अमरूद का पेड़ भी दिखा दूं, हमारे घर में है एक अमरूद का पेड़ और इस पे लटक लटक अमरूद खाएंगी। खाओगी? आज ही पता चला है हमें कि महंगे है ना, इसलिए हमें वैल्यू पता चल गई। भैया 80 रुपए किलो लेकर आए ना तुम, ये रहा पेड़। कह रहे चलो चलो बोर कर दिया तुमने, जाओ ठीक है, कपड़े भी सुखा दिए, पूरा ही कुछ कर रही है अमरूद के पेड़ का, अमरूद लेके आए ना मुझे चलवाए ना खुद को, कहाँ है तुम्हारे अमरूद कहाँ है? अंदर है सच। अच्छा ये भाभी ये भाभी के पेरेंट्स के पास खाओगी? और हाँ सरोजनी जब तुम प्लान बनाओगे ना हम बिल्कुल तैयार हैं, अमरूद लो और घर को जाओ और खाओ, भैया को भी खिलाओ। चले हम अंदर, बाय बाय। तो मैं चलती हूँ अंदर, बहुत अच्छा रहा इनके साथ सफर, व्लॉग तो एंड कर दिया था मैंने लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो बाय बाय बोल देती हूँ इनको, बच्चों से मिलते हैं सीधा बोलेंगे हमें छोड़ के चली गई, फ्रेंड्स मिलते हैं तो ऐसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि देखो ये ना अलग ही प्लान था कि चलो आज थोड़ा सा मौका मिला ये घर पे आई हैं, तो मैंने कहा चलो गाड़ी से चलते कहीं बात भी हो जाएगी, घर में इतना रिलैक्स होकर बात नहीं हो पाती है, बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत सारी बातें की, अब चलते हैं अंदर करते हैं काम घर का, बाय बाय गाइस टेक केयर। यूँ कह रही है कि तुम बहुत गोरी लग रही हो मेरे से, मैंने कहा तुम्हें काली करती हूँ फिल्टर हटाती हूँ और तुम्हें काली करूंगी मैं, तैयार हो काले होने के लिए? नहीं अब नहीं बोलेंगे कुछ भी।